दुनिया कोरोना से निपटने में मसरूफ है और भारत इस सूरत हाल में कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मोदी सरकार पर कड़ी तंकी, कहा झूठे दावों से भारत की दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है। भारत की तवज्जो कोरोना पर नहीं है, आलमी बराबरी मामले का नोटिस ले। नक्याल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर रद्देमल देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत एलओसी पर मुसलसल खिलाफ वर्जियां करता चला आ रहा है और शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए उनका कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर को अकलियती स्टेट में तब्दील करना चाहता है। कोरोना और माशी चैलेंजेस के बावजूद भारत अकलियतों को दबाने में मसरूफ है, दुनिया कोरोना से निपटने में मसरूफ है और भारत इस सूरत हाल में कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि झूठे दावों से भारत की दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है, अकलियत मुखालिफ कार्रवाइयों से मोदी की जहनियत आयां हो चुकी, लाखों लोगों की दिल्ली से नकल मकानी देखी गई थी, भारत में लॉकडाउन पर तवज्जो नहीं, आलमी बरादरी को संजीदगी से मामले का नोटिस लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत का सार्क सरबरा इजलास से मुतालिक रवैया मनफी रहा। इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, इस लॉकडाउन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और मेरी राय में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जितने भी माजी में सीबीएम्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं, सबसे ठोस जो सीबीएम था ये जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो सीज फायर का था और उसकी मुसलसल भारत खिलाफ वर्जी करता चला आ रहा है।